हाय फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एआर नॉलेज का एक वीडियो है, एक मुस्लिम बच्चे का वीडियो है। उसका टैलेंट देखकर लोग दंग रह गए, ऐसा तो टाइटल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं ए आर नॉलेज। यानी कि बेशक अल्लाह ने पहला घर बनाया इंसानों के लिए लल्लरी बक्का मुबारकन पहुनल आलमीन, तो बहुत ही बरकत या पक्का घर है जो आलमीन के लिए मरकज़े हिदायत है। आलम कहते हैं एक दुनिया या एक जहान या एक वर्ल्ड, और आलमीन माने सारी दुनिया या सारे जहान या सारे वर्ल्ड। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब है। रसूल रहमतुल्लिलआलमीन, रसूल आलमीन के लिए रहमत है। उसी तरह काबा हुदल्लिलआलमीन, काबा आलमीन के लिए मरकज़े हिदायत। आवाज़ बुलंद सलावात। ये घर कैसे हिदायत करेगा? ये तो मिट्टी का बना हुआ घर है, ये तो पत्थर का बना हुआ घर है, ये तो ईंटों का बना हुआ घर है, ये कैसे हिदायत करेगा? ये मिट्टी ईंटों का बना हुआ, मिट्टी ईंटों पत्थर का बना हुआ घर कैसे, ये कैसे हिदायत करेगा? ना तो ये बोल सकता है, ना तो बता सकता है, अरे क्या ना बात तो है? सुन सकता है, ये कैसे हिदायत करेगा? तो अल्लाह इसी आयत में इरशाद फरमाता है कि फी आयातुन बय्यिनात, इसके अंदर जाहिर साफ निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस निशानी कैसे हिदायत करते हैं, इसके लिए हम छोटी सी एक मिसाल लेंगे। जैसे हम गाड़ी में थे, रोड पर आए, हमने क्या देखा? एक सिग्नल लगा हुआ है, ऊपर तीन लाइट जल रही है, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन। जैसे येलो लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती इंतजार करती, और जैसे रेड लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती है, और जैसे ग्रीन लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां चलने लगती है। तो हमने क्या देखा? ना तो सिग्नल बोला, ना तो कोई हरकत, ना तो चला, लेकिन उसने अपने इशारों से समझा दिया कि कब रुकना है, कब चलना है और कब इंतजार करना है। इसी तरह काबा भी हिदायत करता है। वाह, बहुत यार। बहुत ही प्यारा बच्चा था और उसी को मतलब देखते रहो ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी जो भाषा है ना वो बहुत मुझे अच्छी लगी। वो जो और बोलता था एक एक वर्ड बहुत अच्छा बोलता था, और मुझे लगता है इससे हमें उर्दू की क्लासेस लेनी चाहिए, हाँ। क्योंकि उसने बहुत अच्छे से समझाया कि एक एक जो उर्दू के जो मुश्किल लफ्ज़ होते हैं उसका अर्थ बहुत आसानी से समझाया, और बच्चा इतनी आसानी से समझ सकता है तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और ये बच्चा मतलब बहुत ही कम उम्र में इतना मतलब टैलेंटेड है, टैलेंटेड है और बयान दे रहा है, तो मुझे लगता है आगे चल के मुफ्ती ज़रूर बनेगा। हाँ और उसे बहुत छोटी उम्र से ही दीन की बहुत अच्छी सीख दी गई है उसके वालिदैन की ओर से, इसी वजह से वो इतना और नॉन उसके स्टॉप। एक्सप्रेशन तो बहुत ही अच्छे थे, जो बोलता था, जब वो हाथ ऐसे करता था तो बहुत अच्छा लगता था और ऐसा लग रहा था उसे ही देखते जाओ। तो वीडियो बहुत ही क्यूट था,
क्योंकि वो बच्चा ही बहुत ज़्यादा क्यूट था हाँ। और मतलब उससे बहुत अच्छी सी सीख मिली यार कि जो काबा है वो सिर्फ पत्थर है, पत्थर की मतलब दीवार नहीं, लेकिन घर है, हमेशा तो कहते हैं कैसे हिदायत देगा। तो उसने अल्लाह, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया। ट्रैफिक का दिया, और उसे ट्रैफिक के रूल भी इतने अच्छे से पता है कि कब कौन सा, मुझे आज तक नहीं पता कि कौन सा लाइट चलता है तब कौन सी गाड़ी जाती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसे तीन जो गाड़ी लाइट चलाता है उसको मालूम होता के है। नाम भी पता है, और कैसे गाड़ियाँ कब रुकती है कब चलती है, तो बहुत, कितनी नॉलेज है उसे इतनी कम उम्र में, बहुत ज़माने की और अल्लाह की भी, कि अल्लाह ने क्या बनाया है और क्या कब हिदायत देगा और क्या निशानियां दी है, तो बहुत ही वो मतलब। बड़े बड़े मतलब जो मौलाना है उनको भी पीछे छोड़ देगा, मतलब ये नॉन स्टॉप बिना रुके बोलना, बोलना हाँ, क्योंकि उसने कहीं से पढ़ा नहीं है, नीचे कुछ और लिखा अल्लाह नहीं की है। रहमत इस पे हमेशा रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट बच्चा है। वो क्यूटनेस का नहीं यार, वो दीन का इतना अच्छा नॉलेज है उसको हाँ इसकी वजह से। हाँ और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा क्यूट था ना, बिना पढ़े इतना बोलना, वो भी और उसके जो आंखें थी वो ये छोटी बहुत उम्र ज़्यादा में। बोल जाती थी, क्योंकि वो आंखों से ही बताता था कुछ तो। लेकिन ठीक बहुत अच्छा था वीडियो, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।